कॉलेज कैंपस लाइफ कैसी है, मतलब इंडियंस को लेके वो लोग कुछ ऐसा नेगेटिव या कुछ वैसा? यहाँ पर क्या प्लेसमेंट का कैसे रहता है, जैसे कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट, क्या जॉब फेयर लगता है आयरलैंड में आने के बाद, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और कुछ ऐसी चीज़ जो अच्छी ना लगी? क्या आपको पता है डबलिन का फेमस ट्रिनिटी कॉलेज 1500s में बना था? क्या आपको पता है इसका पूरा नाम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नेम से है और उन्हीं के द्वारा इसको फाउंड किया गया था? हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में जो कि हो रही है डबलिन से। इस समय मैं हूँ ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर और मैं आपको इस वीडियो में ट्रिनिटी कॉलेज का टूर देने वाला हूँ और यहाँ पर किसी स्टूडेंट से भी मैं बात करने वाला हूँ। बने रहना है इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि वीडियो काफ़ी अलग और अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिनिटी कॉलेज के सफ़र को। तो वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ एक बहुत ही फेमस जगह से जो कि ट्रिनिटी कॉलेज की फेमस जगह है, जो कि है बुक ऑफ केल्स बिल्डिंग, जिसके अंदर बुक ऑफ केल्स है जो कि एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको हम क्रिश्चियन लोगों की एंशिएंट बुक बोल सकते हैं, जो कि अंदर रखी हुई है। वो 800 एडी में बनी थी, मतलब उसको 800 एडी में लिखा गया था। और फर्स्ट फ्लोर पर है लॉन्ग रूम लाइब्रेरी जो कि काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है और उसमें अराउंड 2,00,000 से ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं जो कि आज भी पढ़ी जाती हैं और जिनका रेफरेंस आज भी लिया जाता है। ट्रिनिटी के स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं उनको अभी भी। तो हम चलेंगे अंदर, इसकी कुछ टिकट लगती है, बुकिंग करानी पड़ती है, उसके हिसाब से हम। ये सब बुक ऑफ केल्स की ही अलग अलग पेजेस की पिक्चर्स है जो कि कुछ कुछ डिपिक्ट करती है, वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये काफ़ी अमेजिंग लगता है पढ़ने में। अब मैं आपको दूसरी तरफ की भी चीज़ें दिखा देता हूँ कि उस तरफ क्या है। यहाँ पर वो सब एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं जिनको यूज़ करके इन्होंने अलग अलग कलर की इंक्स बनाई जिससे इन्होंने लिखा था बुक ऑफ केल्स में। और अब मैं म्यूजियम के मेन हिस्से में जा रहा हूँ जहाँ पर बुक ऑफ केल्स रखी हुई है, वहाँ पर फोटोग्राफ लेना अलाउड नहीं है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर ओल्ड लाइब्रेरी है। ये जो लाइब्रेरी है इसमें मोर देन 2,00,000 बुक है, इतने ऊंचे शेल्फ हैं और ये बुक्स आज भी यूज की जाती है। ये लाइब्रेरी काफी ग्रैंड बनी हुई है और इसमें ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स का यूज करना पड़ता है और इनके जो शेल्फ्स हैं वो काफी ऊंचे ऊंचे हैं और आप देख सकते हो कि शेल्फ्स कितने ऊंचे हैं और साइड में नीचे की तरफ बहुत सारे स्कॉलर्स के स्टैचूज बनाए हुए हैं इन्होंने, या कुछ जो पहले यहाँ इस कॉलेज में पढ़ चुके हैं उनके भी स्टैचूज यहाँ लगे हुए हैं। ये लाइब्रेरी लगभग 65 मीटर लंबी है और इसको बनाने में लगभग 20 साल लग गए थे। 1712 से लेकर 1732 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था पूरा। तो मुझे जो इस लाइब्रेरी में और ये सारी चीज़ें जो दिखा रहा है वो है ये, इसका नाम है चैतन्य और ये ट्रिनिटी कॉलेज में ही पढ़ रहा है। इसका एक्सपीरियंस कॉलेज का जानेंगे हम लोग वीडियो में आगे आएगा, तो वीडियो में बने रहना है। इस लाइब्रेरी में आके बिल्कुल हैरी पॉटर वाली वाइब्स आ रही है, उसमें भी कुछ ऐसी ही लाइब्रेरीज दिखाई थी ना उनके कॉलेज में। पीछे की तरफ जो बिल्डिंग है ये आर्ट्स बिल्डिंग है, आर्ट्स फैकल्टी है इसके अंदर और लाइब्रेरी भी है नीचे के फ्लोर पर और यहाँ पर कई सारे कैफेज भी बने हुए हैं इधर की तरफ और अंदर एक कैफेटेरिया भी है स्टूडेंट्स के लिए।
और काफ़ी सारे कैफेटेरिया वैसे तो ट्रिनिटी कॉलेज कैंपस में, पीछे की तरफ भी मैं अभी एक कैफेटेरिया देखा था, तो अभी मैं अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर मैं आपको क्या क्या दिखा सकता हूँ। और मेरे पीछे ये जो इस तरफ और दूसरी तरफ ये जो बिल्डिंग है, ये हॉस्टल्स हैं, स्टूडेंट्स लोग और रहते हैं यहाँ पर, जिसको ये लोग यहाँ पर हाउसेस बोलते हैं, हॉस्टल नहीं बोलते हैं। तो ये दोनों बिल्डिंग में स्टूडेंट्स रहते हैं, और इस तरफ में ये दूसरी बिल्डिंग है जिसमें नीचे की तरफ लाइब्रेरी भी है और कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसका आर्किटेक्चर जो है बिल्डिंग का वो दूसरा है, और इन बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर अलग तरह का है। ये थोड़ा बाद में बनी है ये बिल्डिंग, तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा मॉडर्न है। इस समय मैं हूँ म्यूजियम बिल्डिंग में, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और आप देख सकते हैं उन्होंने डायनासोर भी बना रखे हैं, और इसी में ऊपर इंजीनियरिंग फैकल्टी के ऑफिसेज भी हैं और जियोग्राफी ऑफिस है और जियोलॉजी ऑफिस है। तो अभी मैं ऊपर एक क्लास में भी जाऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर अंदर से क्लासरूम्स कैसे दिखते हैं। अभी मैं इस समय हूँ एक क्लासरूम के अंदर, जो कि पुराना क्लासरूम बना हुआ है पुरानी बिल्डिंग में, और आप पीछे देख सकते हो कि पीछे ब्लैक बोर्ड भी है और प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर का स्क्रीन भी है, और ये है पुरानी बिल्डिंग में। तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है, ये है सैमुअल बेकेट थिएटर। जैसे कि ट्रिनिटी कॉलेज में 50 क्लब्स और मोर देन 100 सोसाइटीज़ हैं, उनमें से एक सोसाइटी है थिएटर की सोसाइटी, जो कि ड्यू प्लेयर्स के नाम से है, और उसी का यहाँ पर थिएटर है, ये काफ़ी पुराना बना हुआ। तो इस समय मैं बिल्कुल कॉलेज कैंपस के बीच में हूँ, और ये जो ग्राउंड है इसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं, इसमें क्रिकेट और रग्बी के ग्राउंड हैं और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। और मेरे पीछे की तरफ जो कैंपस का एरिया है उसको वेस्टर्न साइड बोलते हैं, क्योंकि ये एंशेंट भी है, और इस तरफ जो है वो मॉडर्न साइड या फिर ईस्टर्न साइड बोलते हैं, जहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सब नई बिल्डिंग्स बनी हैं। बाकी दिस कॉलेज कैंपस हैज़ बीन फाउंडेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1592। और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिजनेस स्कूल है, 2019 में ओपन हुआ था, और यही अब तक सबसे लेटेस्ट बिल्डिंग है। बाकी कुछ नई बिल्डिंग्स और भी बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ग्राउंड से आगे की तरफ जाते हुए मुझे एक यूनिक चीज़ दिखी, वो मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर स्टेशन 7। तो इसमें ये ग्राउंड के चारों तरफ में अलग अलग स्टेशन्स बना रखे हैं ऐसे ही, उनमें आपको बताया गया कि आप इस जगह पर कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने लंजेस का दिखाया है, उस तरफ में इन्होंने एब्स का वर्कआउट भी दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ स्क्वाट्स का दिखाया हुआ था। तो ऐसे ही ग्राउंड के तरफ इन्होंने बहुत सारे स्टेशन्स बना रखे हैं ताकि ये फिटनेस को प्रमोट पीछे की। और ये मेरे पीछे की तरफ है ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल, जो कि मैं दूर से आपको दिखा रहा था, और इधर की तरफ जो है ट्रेन, जो है डार्ट बोलते हैं जिसको यहाँ पर, वो कॉलेज कैंपस के बीच में से ही पास करती है। तो मैं अभी आगे की तरफ जाके वही आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी लेबोरेटरीज और वर्कशॉप्स हैं, और ये ट्रेन कॉलेज कैंपस के बीच में से ही होकर गुजरती है। कंप्यूटर के थ्रू अंदर बाकी लाइब्रेरी बनी हुई है, हम अंदर जा नहीं सकते, इसको बाहर से ही दिखा रहे हैं। मैं कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट से मिला, जो कि इंडिया से ही हैं और दिल्ली एनसीआर से ही हैं, गुड़गांव से हैं, इनका नाम है चैतन्य, और ये ट्रिनिटी कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ और आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि ये यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं और इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो हेलो चैतन्य, आप यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं ट्रिनिटी कॉलेज से? मैं MSc इंटरेक्टिव डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ, ये 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस के। तो आपने ट्रिनिटी कॉलेज चूज़ किया, तो आपका क्या पहले से सोचना था कि ट्रिनिटी में ही जाना है, क्योंकि आयरलैंड में, डब्लिन में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो ट्रिनिटी ही क्यों चूज़ किया आपने? तो ट्रिनिटी आयरलैंड का बेस्ट कॉलेज है कहा जाता है, और
और भी मेरे डैड का भी और मेरा भी बहुत मन था यहाँ आने का। ओके ओके, हाँ ये तो है, ट्रिनिटी की जो वैल्यू है, ट्रिनिटी की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसकी काफ़ी अच्छी रैंक है, तो इट्स गुड कि आपने ये चूज़ किया है। अभी कोविड के बाद क्या डेली क्लासेस होती हैं, आप लोग डेली जाते हो कॉलेज? डेली क्लासेस होती हैं और लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन नहीं होती। ओके, ऑफलाइन क्लासेस हो रही है। तो आपने यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे क्राउड जो है वो मिक्स क्राउड होगा, कुछ आयरिश लोग होंगे, कुछ बाहर के होंगे, तो अभी तक का आपका सबके साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मतलब इंडियंस को लेके वो लोग कुछ ऐसा नेगेटिव या कुछ वैसा तो कुछ नहीं? लोग यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं और मतलब यहाँ पे ट्रिनिटी 19th मोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे लोग आते हैं, अराउंड 100 से भी ऊपर कंट्री से लोग आते हैं स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा जा रहा है। बाकी ये जो लेक्चरर्स प्रोफेसर जो होते हैं वो मतलब वो भी मिक्स हैं कि सारे आयरिश आपको लग रहे हैं कि आयरिश हैं यहाँ पर? नहीं, वो भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से। तो यहाँ पर क्या प्लेसमेंट का कैसे रहता है, जैसे कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट क्या जॉब फेयर लगता है या फिर कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं या कैसे रहता है? कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती यहाँ पे, और स्टूडेंट सर्विसेज होती हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कंपनीज में और फिर कंपनीज का इंटरव्यू होता है। सही कह रहे हो आप। तो आप कॉलेज के अंदर हॉस्टल में रहते हो या बाहर रहते हो? नहीं, कॉलेज की स्टूडेंट अकोमोडेशन है कैरेमा कोर्ट, वहाँ पर रहता हूँ। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा, मैं खुद कैंपस में घूमा हूँ तो काफ़ी बड़ा कैंपस, काफ़ी सुंदर कैंपस बना हुआ है। तो कॉलेज में क्या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, सोसाइटीज़, क्लब्स ये सब भी होंगे, तो आप भी कुछ किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो या आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे कोविड की वजह से? तो कोविड रीज़न नहीं है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है तो काफ़ी हैवी कोर्स वर्क रहता है उसमें, तो इस वजह से मैं अभी कम पार्टिसिपेट। फिर कुछ दो तीन लास्ट क्वेश्चंस और हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन कि कॉलेज कैंपस लाइफ कैसी है? कॉलेज कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ के मैं फ्रेंड्स बना रहा हूँ, अमेरिका से, इंडिया से, चाइना से, आयरिश लोग और जर्मनी से भी और यूरोप से भी, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मतलब अलग अलग लोगों से, अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ऐसी सबसे अच्छी जगह आपको कॉलेज कैंपस में कौन सी जगह लगती है? कॉलेज कैंपस में मतलब बहुत बड़े गार्डन्स हैं और बैठने की जगह है जहाँ पे, मतलब कॉलेज कैंपस में बैठ के आप बहुत देखोगे तो नेचर के साथ और बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको आयरलैंड में आने के बाद क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और कुछ ऐसी चीज़ जो अच्छी ना लगी हो? तो आयरलैंड काफ़ी सुंदर देश है, मतलब लिफी रिवर डब्लिन में चलती है तो वो बहुत सुंदर है और लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बट कभी कभी लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पर। तो मतलब लोगों का इंटॉक्सिकेशन करना आपको अच्छा नहीं लगा, बाकी लोगों का व्यवहार और यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो लाइफ है, जो कल्चर है वो आपको? सो थैंक यू सो मच चैतन्य मेरे से बात करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखकर कोई अपकमिंग स्टूडेंट्स को जानकारी मिल पाए और उनको आपका एक्सपीरियंस काम आ पाए। और शाम के टाइम भी कॉलेज कैंपस बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो लाइटिंग्स चलने से कितना सुंदर हो गया है, और ये जो पीछे एक टावर बेल है ये काफ़ी फेमस जगह है, लोग यहाँ आके फ़ोटो खिंचवाते हैं इसके साथ। और इस तरफ में पीछे की तरफ चैपल है जो कि चर्च है कॉलेज का, और लोग इसके अंदर भी जाते हैं प्रेयर करने के लिए। और इस पूरी जगह को, इस स्क्वायर को पार्लियामेंट स्क्वायर बोलते हैं, चारों तरफ से यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर फिनिश हो रहा है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो हिट लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।